माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.3 के जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपको सीखना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद जानना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 3.3। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को आप नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दें एंड वाइस वर्सा, और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट कर दें। यदि किसी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वह कहलाता है पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। और यदि आपने एक बार ट्रांसपोज कर दिया, उसको फिर से एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो वापस आपको मैट्रिक्स वापस खुद से मिल जाएगा सेम। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन ऑर्डर का, एम रोज है और एन कॉलम है इस मैट्रिक्स का। बी ए मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन, बी ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज। तब एक नया मैट्रिक्स मिलता है। कैसे मिलता है? बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ऑफ ए इज कॉल्ड, उससे जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या डिफिनेशन होगा? इफ ए इक्वल टू ए आई जी, एम क्रॉस एन, बी ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स, अब एक नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त करना है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे, बदल दे, एक दूसरे से रोज की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रोज आप कर दें, तो उस समय जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज को डिनोट करना है तो उसके लिए हम ए के ऊपर में डैश सिंबल या ए के ऊपर टी फॉर ट्रांसपोज इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दिए, इसलिए जो नया मैट्रिक्स मिला जो ए आई जे था, ए आई जे की जगह आई की जगह जी और जे की जगह आई हो गया। और पहला मैट्रिक्स ए में रोज था एम, अब वो हो गया कॉलम्स, और पहला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स थे एन, अब वो बन गया नंबर ऑफ रोज हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एन हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया एन क्रॉस एम, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया हुआ था एम क्रॉस एन, ये जस्ट उल्टा हो गया, इंटरचेंज कर गया। तो ये डिफिनेशन हो गया, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन, बी ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ए कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और यदि इसके रोज एंड कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दे उस समय जो नया मैट्रिक्स मिलता है वही मैट्रिक्स हमारा कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर में आप लिख दिए टी फॉर ट्रांसपोज, ए के ऊपर लिख दिए टी। रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो गए, इसलिए ए जे आई, और ऑर्डर हो गया इस बार एन क्रॉस एम। अब इस ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत से सवाल होंगे एक्सरसाइज 3.3 के बनाने के लिए जो कि इनके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। इनके प्रॉपर्टीज को आप देख ले। फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिक्स है और वो इस तरह से सुटेबल ऑर्डर के हैं कि उनको आप एड कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, इस तरह के ऑर्डर से, इसलिए ऑर्डर मेंशन नहीं किया गया। पहला प्रॉपर्टीज है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आप लिए हैं और उसका फिर से पुनः एक बार और ट्रांसपोज कर दो है। जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो ए डैश मिल गया, इसमें आप रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किए हुए, अब फिर से वापस रोज एंड कॉलम्स को जो इंटरचेंज कर दिए कॉलम रोज बन गया, अब कॉलम रोज को एक बार फिर से इंटरचेंज किए तो रोज एंड कॉलम को वापस हो गया, इसलिए ए ट्रांसपोज का एक बार अगेन ट्रांसपोज आप करते हैं तो वो मैट्रिक्स ए इटसेल्फ उसके बराबर हो जाएगा। दूसरा है प्रॉपर्टी, यदि कोई स्केलर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्केलर के किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई हो गया और उस पूरे प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, तो आप इसको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल ले, उस मैट्रिक्स ए के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर ले
और उसमें उस कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट आपके सेम होंगे। यहां पर के कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तीसरा प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स ऐड है, वो ब्रैकेट में मतलब इसके ब्रैकेट का काम पहले कर लेना है और उसके बाद उसके रिजल्ट का ट्रांसपोज निकालना है, या पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल ले, फिर दूसरे मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाल ले और दोनों के ट्रांसपोज को जोड़ दे, ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आएंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए और बी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट है और उस पूरे प्रोडक्ट का ट्रांसपोज पूछा गया है, तो इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। ध्यान देंगे पहले बी का ट्रांसपोज इनटू फिर ए का ट्रांसपोज, यहां ऑर्डर चेंज हो गया है, दोनों पर है तो ट्रांसपोज लेकिन ऑर्डर चेंज है, पहले बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए इसी पर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स जो दिया गया है उसका नाम नहीं दिया गया है तो हम लोग मान लेते हैं नाम उसका ए है, और इसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट इस तरह से दिए गए हैं 5, 1/2 और -1। इसका ऑर्डर लिखा गया नहीं गया है कि हम लोग इसके ऑर्डर को लिखते हैं तो इसमें रोज काउंट करते हैं 1, 2, 3, इसमें 3 रोज हो गए, और कॉलम काउंट करते हैं तो 1। तो दिया गया मैट्रिक्स का हमने नाम लिख दिया अपने मन से ए, और इसका ऑर्डर भी लिख दिया 3×1। अब इस मैट्रिक्स का पूछता है ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज करेंगे तो रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। दिए गए मैट्रिक्स में रोज थे 3 और कॉलम था 1, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अब नया मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए का हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 1 एंड कॉलम्स हो जाएंगे 3। तो ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश, और इसको हम लोग क्या किए, इसका जो आपका कॉलम था फर्स्ट कॉलम उसको फर्स्ट रो बना दिए, तो 5, 1/2, -1। अब इसको ऑर्डर्स को देखा जाए तो यहां रोज हो गया 1 एंड कॉलम हो गया 3, तो देखिए आप ये इंटरचेंज हो गया 3×1 से ये बन गया 1×3 बन गया। तो ट्रांसपोज पर बेस्ड ये एक सवाल था। अब आइए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता था, किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स देखना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए एआईज इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कब, यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। यहां ध्यान दे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और वो मैट्रिक्स के ही बराबर हो, यदि ऐसा हो रहा हो मैट्रिक्स ए के साथ, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो हम लोग ए मैट्रिक्स का आईजीएस एलिमेंट निकाले या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जीआईएस एलिमेंट निकाले, दोनों का ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल आई एन जे, आई एन जे का वैल्यू कुछ भी ले, जैसे ए 1, 2 लिए तो ए 2, 1 के वो बराबर है। यदि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए, तो इसको हम लोग एलिमेंट्स के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, आई एन जे के किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा होगा। अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का ही बनाते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स ए इस तरह का दिया गया है, इसका ऑर्डर 3×3, 3 रोज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट रो में दिया 1, -1, 5, सेकंड रो में दिया -1, 2, 1 एंड थर्ड रो में 5, 1, 3। अब इसका हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, 1, -1, 5, 1, -1, 5 फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, -1, 2, 1, -1, 2, 1 सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम, थर्ड रो 5, 1, 3 इसको थर्ड कॉलम बना दिया 5, 1, 3। अब आप ध्यान से देखिए तो ए ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यदि बराबर इसलिए दिया गया जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमको साबित करना था कि साबित कीजिए कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमको साबित करना था, इस तरह से साबित होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आगे वो वर्ड लग गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, बस ये माइनस वन का डिफरेंस है, माइनस वन ए में मल्टीप्लाई है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, इसी बात का फर्क है, इस ए में माइनस वन मल्टीप्लाई है। अर्थात इसके एलिमेंट को लिखेंगे, ए ट्रांसपोज के एलिमेंट को लिख दिए ए जे आई इज इक्वल टू माइनस साइन ए, और ए के एलिमेंट को लिख दिए ए आई जे फॉर ऑल आई एन जे, आई एन जे के किसी भी वैल्यू के लिए ये होगा। इस डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, यदि आई और जे दोनों बराबर कर दो वन वन, ए वन वन बराबर माइनस ए वन वन हो गया, दोनों एक तरफ आ गया तो टू ए वन वन बराबर जीरो, सो ए वन वन का वैल्यू आएगा जीरो, उसी तरह से ए टू टू का भी होगा, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा क्या होंगे जीरो। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा, ट्रीज को याद रखने में आसान होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जब भी होंगे वो क्या होगा आपका जीरो होगा। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। आई अब दो थ्योरम के रूप में आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया, उसको एज हम टू पॉइंट्स के रूप में आपको यहां पर बता दे रहे हैं, और एक काम प्रूफ भी आपको करके दिखाएंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले विथ रियल नंबर एंट्रीज, इस मैट्रिक्स ए के जितने भी एंट्रीज हैं एलिमेंट जो है वो सबके सब रियल नंबर है, उस समय ए प्लस ए ट्रांसपोज, यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज आप ले इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये फिक्स है, ये एक थ्योरम के रूप में टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और जो फोर मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका थ्योरम नंबर टू, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए कोई भी दुनिया का स्क्वायर मैट्रिक्स हो कैन बी एक्सप्रेस, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो एज द सम ऑफ, किसके रूप में लिख सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दैट इज यहां समझाएं, दैट इज ए बराबर हाफ ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर प्लस हाफ ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर दिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। आइए अब हम दूसरा का प्रूफ जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरा का प्रूफ क्या होगा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि पहला वाला सिमेट्रिक है दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए बच्चों, मैट्रिक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टू इंटू टू ए, टू टू कैंसिल हो जाएगा ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 बाई टू, अब 2a को लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहां ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज दोनों मिलकर हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जोड़ दीजिएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2a मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अब इसको सेग्रीगेट कर दे, अलग अलग कर दे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, अलग अलग कर दिए, पहला वाला पार्ट को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को नाम दे दे पी मैट्रिक्स, और दूसरा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को नाम दे दे क्यू मैट्रिक्स। अब हम लोग यही साबित करने जा रहे हैं कि जो पी मैट्रिक्स है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये जब होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और दूसरा साबित करेंगे जो क्यू मैट्रिक्स है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये जब भी होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और जब ये साबित कर देंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, दिखलाया जा सकता है। आइए पहला हम लोग पी को चेक करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, पी का ट्रांसपोज लेते हैं, पी का ट्रांसपोज का मतलब पी का वैल्यू है हाफ ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज और टोटल का ट्रांसपोज। तो आप बच्चों अभी आपने देखा है ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्केलर की मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई और टोटल का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू आप लिख सकते हो के को छोड़ दे इनटू ए का ट्रांसपोज, तो उसी हिसाब से यहाँ हाफ कांस्टेंट इसलिए हाफ को छोड़ दिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने क्या कर दिया एक बार ट्रांसपोज इस प्रॉपर्टी का यूज करते इज इक्वल टू। फिर आपने दूसरा प्रॉपर्टी देखा है ट्रांसपोज का कि ए प्लस बी का यदि ट्रांसपोज है तो दोनों पर बारी बारी से ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वही यहां पर हो रहा है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज।
अगेन आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज कर देखें कि ए ट्रांसपोज कर फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो यह मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला हो गया ए के बराबर हाफ ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि मैट्रिक्स पी के बराबर आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि पी ट्रांसपोज का वैल्यू पी के बराबर हो गया, इसलिए जो मैट्रिक्स पी है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये जब भी होगा ये क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। आइए अब दूसरा पार्ट चेक करते हैं, जो क्यू है हमारा, क्यू इक्वल टू हाफ ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज, और टोटल का हम लोग क्या करते हैं, क्यू का ट्रांसपोज निकालते हैं, टोटल का ट्रांसपोज अगेन उसी प्रॉपर्टी का, कॉन्स्टेंट के को हम लोग छोड़ दिए और ए माइनस ए का ए ट्रांसपोज का केवल ट्रांसपोज रह गया। अब जिस तरह से ए प्लस बी का ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो गया, उसी प्रकार से यहां पर ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। तो अभी आप देखें कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए के बराबर हो जाएगा, तो हाफ ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लिए तो माइनस हाफ ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इसी का नाम है मैट्रिक्स क्यू, तो क्यू ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया माइनस क्यू के बराबर। आप देख सकते हैं क्यू का ट्रांसपोज लिया और वो माइनस क्यू के बराबर, इसलिए क्यू मैट्रिक्स जो है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए को आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, दिखला सकते हैं। इसी थ्योरी पर, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स ए दिया हुआ इस तरह से 6 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3, और इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। पहले इसका ट्रांसपोज ले ले, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को 6 - 2 - 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -2 - 3 - 1 को -2 - 3 - 1 को सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो 2 - 1 - 3 को थर्ड कॉलम के रूप में एक्सप्रेस कर दे। अब इन दोनों को जोड़ दे, ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ देने से फर्स्ट रो में आ गया 12 - 4 - 4, सेकंड रो में -4 - 6 - 2, थर्ड रो में 4 - 2 - 6। अब इस पूरे ए प्लस ए ट्रांसपोज में हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, उसका नाम दे दे आप पी, हाफ से मल्टीप्लाई करने से ये नया मैट्रिक्स आपका आ गया 6 - 2 - 2, सेकंड रो हो गया -2 - 3 - 1 एंड थर्ड रो हो गया 2 - 1 - 3। आप देख सकते हैं कि ये जो पी मैट्रिक्स है, अब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे। तो अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले रहे हैं तो वो पी ट्रांसपोज और पी आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, अर्थात ये जो मैट्रिक्स है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित हो गया। अब दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज कर, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर लेती है, जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, हर एलिमेंट इसका जीरो हो जा रहा है। अब क्यू बराबर आप हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट जीरो ही होगा। अब इस क्यू को आप ट्रांसपोज ले लें, क्यू का ट्रांसपोज ले लेंगे तो इस जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदलेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा। जीरो मैट्रिक्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इसमें से माइनस वन कॉमन निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू के बराबर आ गया, अर्थात ये क्यू जो मैट्रिक्स था हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये जो जीरो मैट्रिक्स था यही हमारा हो गया इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको मैट्रिक्स ये जो गिवन था इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के रूप में दिखाना था, यहाँ पे इत्तेफाक से देख सकते जो मैट्रिक्स दिया है वही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक्स के जगह पर है हमारा जीरो मैट्रिक्स। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ही, इसके जस्ट बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बनाते हैं इसी एक्सरसाइज 3.3 का। बच्चों मैट्रिक्स ये इस तरह से दिया है, फर्स्ट रो में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो में साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल ले, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा इस तरह से निकाल ले। अब लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऑर्डर सेम इसलिए ऐड हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 cos α, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा यहाँ हो गया 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ हो गया 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो गया 2 cos α। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ राइट हैंड साइड का यूज करें, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का,
तो हम लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0 होगा। अब ये दो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दो मैट्रिक्स बराबर है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, ऑर्डर तो दोनों के बराबर है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। तो यहां पर आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम देख सकते हैं 0 है, यहां भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0 है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 2 cos अल्फा है, यहां फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 1 है, अर्थात 2 cos अल्फा बराबर 1 है, इसलिए cos अल्फा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और cos में cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए अल्फा का आंसर हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आंसर बी आपका टैली कर रहा है, बी में आंसर दिया अल्फा का वैल्यू 5/3 दिया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर पूरा का पूरा होल एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है। आइए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक मैट्रिक्स ए इस तरह से 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर 3 का, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 ये दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम है, 3 3 -1 को 3 3 -1 फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो -2 -2 1 को सेकंड कॉलम बना दिए, -2 -2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए, -4 -5 2 को -4 -5 2 बना दिए। अब ए और ए का ट्रांसपोज को ऐड कर दिए, इसको दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने से हमारे दोनों का ऑर्डर सेम है, 3x3 ऑर्डर के, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐड हो सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दिया, 3 + 3 ये 6 हो गया, 3 और +-2 ये हो गया 1, फिर -1 और -4 ये हो गया -5 फर्स्ट रो, उसी प्रकार से सेकंड रो को -2 एंड +3 ये हो गया 1, -2 -2 ये हो गया -4, 1 + -5 ये -4 आ गया, -4 और +-1 ये -5 हो गया, -5 और +1 ये -4 हो गया, 2 + 2 ये 4 आ गया। तो ये a + a ट्रांसपोज निकाल ली, अब इसमें आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो हाफ ये क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट में स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के डिफिनेशन से ये हाफ सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में आ गया 3 1/2 -5/2, सेकंड रो में आ गया 1/2 -2 -2, थर्ड रो में आ गया -5/2 -2 एंड 2 आ गया, ये हाफ a + a ट्रांसपोज हो गया। इस हाफ a + a ट्रांसपोज को मान लेती है मैट्रिक्स p है, और तब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज मतलब इसके फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, 3 1/2 -5/2 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकंड रो को 1/2 -2 -2 को सेकंड कॉलम में लिख दिए, थर्ड रो -5/2 -2 2 को लिख दिए, थर्ड कॉलम में लिख दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मैट्रिक्स p के ही बराबर है, ये जो मैट्रिक्स p है इसको हम लोग p माने हैं, ये मैट्रिक्स p मान लिए हैं, इसी के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि p और p ट्रांसपोज दोनों बराबर है, अर्थात ये जो मैट्रिक्स है हाफ a + a ट्रांसपोज, ये एक हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये हम साबित कर दिए। दूसरा, a में से a ट्रांसपोज को माइनस कीजिए, तो दोनों को माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करें, 3 - 3 ये हो गया 0 एंड सोन, उसी तरह से निकाल ले, तो फर्स्ट रो में आपको आ जाएगा 0 5 3, सेकंड रो में आ जाएगा -5 0 6, थर्ड रो में आएगा -3 -6 0, 3 में से 3 माइनस किए तो आपको 0 है, 3 --+2 हो गया यहाँ 5 -1 और फिर -- यहाँ +4 दिया गया 3 एंड सोन, -2 -3 ये -5 हो गया, -2 + 2 ये हो गया 0, 1 -+5 हो गया 6, -4 और +1 ये हो गया आपका -3 -5 -1 ये आ गया -6 और 2 - 2 ये हो गया 0। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करते ईच एंड एवरी एलिमेंट में स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, तो 0 5/2 3/2 हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो हो गया -5/2 0 एंड 3, थर्ड रो हो गया -3/2 -3 एंड 0 हो गया। अब इस क्यू मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दे, 0 5/2 3/2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -5/2 0 3 बना दे, थर्ड रो है -3/2 -3 एंड 0 बना दे। अब इसमें से आप -1 को कॉमन निकाले, तो हर एक एलिमेंट में से -1 बाहर आ जाएगा, तो 0 5/2 3/2,
माइनस फाइव बाई टू जीरो, ये प्लस थ्री हो गया, माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री एंड जीरो हो गया, और ये माइनस वन इंटू क्यू मैट्रिक्स से बराबर। तो आप देख सकते हैं कि क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है, अर्थात ये जो क्यू मैट्रिक्स है ये क्यू मैट्रिक्स हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी साबित कर दे कि ये जो दूसरा वाला है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए को आप, ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में दिखाएं। तो ये पहला को ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं, ये पी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी मैट्रिक्स को हम लोग यहां से कॉपी कर लिए, पी मैट्रिक्स जो हमारा था ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम लोग कॉपी कर लिए, और प्लस क्यू जो मैट्रिक्स है इसको, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी कॉपी कर लिए। और यही हमको एक्सप्रेस करना है, इसको सम निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। सम ऑफ दो का देखिए सम है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स और जैक बोर्ड्स में बच्चों इसे पूछा जाता है। इसी एक्सरसाइज 3.3 का एक आखिरी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, गिवन है, दिया गया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। तो पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सो ऑन, आपको बताना है। तो पी बराबर मान लेते ए बी माइनस बी ए, अब इस पी का ट्रांसपोज करते हैं, मतलब टोटल का ट्रांसपोज करना है। तो अभी आपने देख लिया ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज दोनों पर बारी बारी से अलग हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यहां ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज में, ए बी का ट्रांसपोज है तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है और उनका ट्रांसपोज, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। इन दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, पहले ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज माइनस ये प्लस जो था वो माइनस हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चूंकि गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए हम लोग ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिए, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिए, तो माइनस और फिर बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिए। तो ये ए बी माइनस बी, इसी को हमने नाम दिया था पी मैट्रिक्स का नाम, ये माइनस पी के बराबर। आप देख रहे हैं कि पी का जब ट्रांसपोज ले रहे हैं ये माइनस पी के बराबर आ रहा है, अर्थात ये जो पी मैट्रिक्स है जिसको आप पी नाम दिए, ए बी माइनस बी ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं, उसमें से एक आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो बच्चों आपने देखा कि कितना आसान है एक्सरसाइज 3.3 को बनाना, इसमें आपको बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज, और उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और लास्ट में है कि किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए को कैसे हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम के रूप में दिखा सकते हैं, इसी पर बेस्ड है ये पूरा का पूरा होल एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 का 3.3 एक्सरसाइज। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि आपके सोल्यूशन जब बन जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। ओके, थैंक यू बच्चों।